गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू अगेन, दिस इज मनीष गिरी। ऑनलाइन क्लासेस में आपको स्वागत है। आज हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा चैप्टर है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स। बीकॉम बेसिकली हम बीकॉम थर्ड ईयर की चैप्टर आज यहां पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमें आज पढ़ना है, हम स्टार्ट करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स। हमने पहले भी क्लासेस में हमने कवर कर चुका है, लेकिन फिर भी हम रिवीजन करेंगे कि इनकम टैक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। तो ओवरऑल फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले ही जानने की कोशिश करेंगे टैक्स होता क्या है। यदि हम टैक्स को शुरुआत बात करेंगे टैक्स के बारे में, यहाँ पे हम देख रहे हैं टैक्स को यहाँ पे दो भागों में डिवाइड किया गया है। इस वजह से आप देख पा रहे हैं फर्स्ट इज डायरेक्ट टैक्स एंड अनदर इज इनडायरेक्ट टैक्स। तो जरूर आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि टैक्स के दो पार्ट होते हैं, तो डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं। आई तो कंफर्म करते क्लियर करते हैं कि डायरेक्ट टैक्स क्या है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। तो डायरेक्ट टैक्स जिसको हम लोग क्या होते हैं, जिसको हम लोग इनकम टैक्स के नाम से भी जानते हैं, डायरेक्ट टैक्स इक्वल टू इनकम टैक्स। इनकम टैक्स यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, इनकम टैक्स दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पे दो चीजें हैं, फर्स्ट है इनकम और दूसरा हमारा क्या है टैक्स है। ठीक है, तो बहुत सिंपल इसको हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। इनकम टैक्स क्या होगा, इनकम टैक्स अपन उसको बोलेंगे ऐसा टैक्स जो किस पे इम्पोज होता है, जो सीधा इनकम पे इम्पोज होता है, उसे हम क्या बोलेंगे इनकम टैक्स बोलेंगे। तो इनकम टैक्स इट मींस क्या, ऐसा टैक्स जो सीधे किसी भी पर्सन की इनकम पे इम्पोज होता है, उसे हम बोलेंगे इनकम टैक्स बोलेंगे। वहीं पर हम बात करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स की, इनडायरेक्ट टैक्स का क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स किसी भी पर्सन पे इम्पोज नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे डिफरेंस हम दोनों में क्रिएट करेंगे कि इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस क्या है। तो इनकम टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स किसी पर्सन के इनकम पे इम्पोज होता है। वहीं पे वेयर है अगर हम बात करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स की, तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, किसी पर्सन पे इम्पोज नहीं होता है, किस पे होता है, वो इम्पोज होता है गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। और आपको लेकर दूं मैं, अभी गवर्नमेंट द्वारा इनकम टैक्स को खत्म कर दिया गया है और इनकम टैक्स यहाँ पे एक नया टैक्स लॉन्च किया गया, हम लोग क्या बोलते हैं जीएसटी बोलते हैं। तो इंडिया में जितने भी तरह के पहले इनडायरेक्ट टैक्स होते थे उन सबको क्या किया गया है, उन सब खत्म करके एक टैक्स बनाया गया है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं जीएसटी बोलते हैं, एंड जीएसटी स्टैंड फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो अभी हम ज्यादा से बातें नहीं करेंगे, हम जब नेक्स्ट लेक्चर पे आएंगे तब बातें करेंगे जीएसटी क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं और कौन कौन से ऐसे इनडायरेक्ट टैक्स हैं जिसको जीएसटी में कन्वर्ट किया गया है। आज का हमारा जो टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स, हम केवल बात करेंगे इनकम टैक्स की। ओके, ठीक है। इनकम टैक्स हमने यहाँ पे जैसे इनकम टैक्स के बारे में हमने यहाँ पे देखा, इनकम टैक्स क्या है हमने बताया, यहाँ पे इनकम टैक्स वो टैक्स होता है जो किसी व्यक्ति की इनकम पे इम्पोज होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे किसी पर्सन की इनकम पे इम्पोज होता है। तो पहले यहाँ पे समझना जरूरी हमारे लिए है कि किसको हम पर्सन बोलेंगे या फिर पर्सन कौन होंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग हम देखो बात कर रहे हैं पर्सन की, ठीक है, पर्सन। अब पर्सन कौन कौन से ऐसे व्यक्ति होंगे जिसको हम पर्सन बोलेंगे, तो पर्सन कौन हो गया हमारा, यहाँ पे अगर हम बात करें पर्सन की, हमारा हो गया बी ओ आई। बी ओ आई मीन्स क्या हो गया, कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। जस्ट लाइक राम, रहीम, महेश, रमेश, है ना, इसको अपन क्या बोलेंगे पर्सन बोलेंगे। इट मीन्स बी ओ आई, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। सेकंड अपन बात करते हैं तो सेकंड हमारा क्या आ जाएगा, फर्म, ठीक है, कोई भी फर्म, ठीक है, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो कॉर्पोरेट हो या फिर इनकॉर्पोरेट हो, उसे भी अपन क्या बोलेंगे, इसको भी अपन पर्सन की कैटेगरी में यहाँ पे इसको आप ऐड करेंगे। थर्ड हम बात करते हैं एफ यू एफ, ठीक है, एफ यू एफ मीन्स क्या हो गया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है। ऐसी कोई फैमिली जो अनडिवाइडेड है, जो हिंदू अविभाजित परिवार है, उसे भी क्या करेंगे, उसे भी हम यहाँ पे पर्सन में काउंट करेंगे। तेरे में बात किया कि इनकम टैक्स क्या होता है, किसी पर्सन की इनकम पे इम्पोज होता है। तो पर्सन कौन कौन से होंगे, पर्सन कौन से हमारे होंगे, बीओआई, कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, कोई फर्म या फिर कंपनी, हम कंपनी बोल सकते हैं,
कोई फर्म हो गया या फिर कंपनी हो गया, देन हमारा क्या हो गया HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हिंदू अविभाजित परिवार, इसको क्या बोलेंगे पर्सन बोलेंगे। ठीक है, सेकंड चीज हमने यहाँ पे देखा कि इनकम किसी पर्सन की इनकम पे इम्पोज होता है। यदि हम इनकम की बात करेंगे तो इनकम को भी यहाँ पे दो भागों में डिवाइड किया गया है। हम किस इनकम को इनकम बोलेंगे या फिर कैसे कौन से इनकम है जो टैक्सेबल इनकम होगी, कौन से रियल इनकम होगी, थोड़ा सा अपने यहाँ पे इसको अपने यहाँ पे कंफर्म करेंगे, क्लियर करेंगे इनकम मीन्स क्या है। ठीक है, अपन बात करते हैं इनकम की, तो इनकम पे हमें दो तरह की इनकम हमें यहाँ मिलेंगी। पहली मिलेगी रियल इनकम एंड सेकंड क्या मिलेगी हमें, सेकंड हमें मिलेगी टैक्सेबल इनकम। ओके, तो फर्स्ट इज रियल इनकम, सेकंड इज टैक्सेबल इनकम। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, रियल इनकम और टैक्सेबल इनकम यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रियल इनकम क्या है, कोई पर्सन जो इनकम अर्न करता है, इनकम अर्न बाय अ पर्सन, किसी पर्सन द्वारा जो भी इनकम अर्न की जाती है उसे अपन क्या बोलेंगे, उसे हम रियल इनकम बोलेंगे। बट रियल इनकम इज डिफरेंट फ्रॉम टैक्सेबल इनकम। ठीक है, तो जो भी पर्सन एक इनकम को अर्न करता है उसे हम इनकम बोलेंगे, रियल इनकम बोलेंगे। लेकिन जिस इनकम पे वो पर्सन अपना टैक्स पे करता है अपन क्या बोलते हैं, टैक्सेबल इनकम बोलते हैं। और यदि हम इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं तो इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्सेबल इनकम का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिकॉज हम जब भी अपना टैक्स पे करते हैं, किस इनकम पे करते हैं, हम टैक्सेबल इनकम पे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें समझना बहुत जरूरी है कि इनकम क्या होती है और हमें किस इनकम पे टैक्स पे करना है। तो दैट इज दो तरह की इनकम को हमें मिलेंगी, रियल इनकम और दूसरी हमें क्या मिलेगी, टैक्सेबल इनकम मिलेगी। तो रियल इनकम क्या हो गया, हम बोल सकते हैं एक ग्रॉस अमाउंट जो कोई पर्सन एक पूरी इनकम अर्न करता है, इनकम अर्न बाय अ पर्सन, उसे अपन रियल इनकम बोलेंगे। और जिस इनकम पे वो अपना टैक्स पे कर रहे हैं उसे अपन क्या बोलेंगे, टैक्सेबल इनकम बोलेंगे। ठीक है, आज यहाँ पे हम कुछ और चीजें क्लियर करेंगे, लाइक रियल इनकम हो गया, टैक्सेबल इनकम हो गया। अभी हम आगे बात करेंगे यहाँ पे के, अभी हमने दो पेयर देखे हैं, एक रियल इनकम के, एक टैक्सेबल इनकम के। अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, आपने जरूर देखा होगा, आपने पहले भी सुना होगा, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर, आप जरूर डाउट समझा रहे होंगे कि प्रीवियस ईयर क्या होते हैं और असेसमेंट ईयर क्या होते हैं। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल यहाँ पे क्रिएट करेंगे। सपोज हमें बात करते हैं, ठीक है, हमने इसको लिया 16, that is 17 and that is 18। ठीक है, चलिए ओके, ईयर के पहले हम यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे बताया जाएंगे आपको, ईयर दो तरह के ईयर मेंशन होते हैं, दो तरह के ईयर हमें मिलते हैं, फर्स्ट इज कैलेंडर ईयर एंड सेकंड इज फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो कैलेंडर ईयर क्या हो गया, कैलेंडर ईयर वो ईयर होता है जो स्टार्ट होता है 1 जनवरी को और एंड होता है 31 दिसंबर को। ठीक है, दैट इज कैलेंडर ईयर, कैलेंडर ईयर विच इज स्टार्ट फ्रॉम 1st of January एंड इन फ्रॉम एंड इज 31st of December। एंड फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट फ्रॉम 1st of March, 1st of April एंड लास्ट इंड इज 31st of March। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर जो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31st को क्या होता है, खत्म होता है। और जो भी हम इनकम टैक्स को कंप्यूट करते हैं, इसकी गणना करते समय उसको किस ईयर में करते हैं, उससे हम फाइनेंशियल ईयर लिखे करते हैं, इसका हम कंप्यूट करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे हैं, हम यहाँ पे लिखे, हमने यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 16, 17 and 18। ठीक है, 16 इसे थोड़ा सा क्लियर करते हैं, यदि अपन इससे हम बात करें 2016, 2017 and 2018। ओके, चलिए अब यहाँ पे हमने यहाँ पे देखा है 2016 और 2017। ठीक है, और 2017 से 2018। ओके, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं हम किसको बोलेंगे प्रीवियस ईयर और किसको हम बोलेंगे असेसमेंट ईयर। ओके, तो प्रीवियस ईयर क्या हो गया हमारा, जिस ईयर हम इनकम अर्न कर रहे हैं, इट मींस द ईयर इज 16 to 17, उस अपन क्या बोलेंगे, प्रीवियस ईयर बोलेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर इट मींस क्या, गत वर्ष। तो जिस ईयर हम इनकम को अर्न कर रहे हैं, जिस ईयर हम इनकम कमा रहे हैं
उसे हम क्या बोलेंगे, प्रीवियस ईयर बोलेंगे। और असेसमेंट ईयर क्या हो गया, असेसमेंट क्या होता है, हम इसको असेसमेंट बोले या फिर कंप्यूटेशन बोले, तो जिस ईयर हम टैक्स को क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, ठीक है, जिस ईयर हम अपने टैक्स का भुगतान कर रहे हैं, जिस ईयर हम टैक्स का पेमेंट कर रहे हैं, उस पर क्या बोलेंगे, असेसमेंट ईयर बोलेंगे, ठीक है। तो असेसमेंट ईयर क्या होगा हमारा, असेसमेंट ईयर की अपन बात करने वाला क्या होगा, 17 और 18 होगा। इट मींस क्या हो गया कि हम यहाँ पे हम क्लियर, यहाँ पे क्लियर हो पा रहा है कि प्रीवियस ईयर कौन सा ईयर हमारा होगा, जिस ईयर हम इनकम अर्न करते हैं उससे हम क्या बोलेंगे, प्रीवियस ईयर बोलेंगे। असेसमेंट ईयर क्या हो गया, जिस ईयर पे हम अपने कमाए हुए हम अर्निंग का पेमेंट करते हैं, टैक्स का पेमेंट करते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं, असेसमेंट ईयर बोलते हैं। तो यहाँ पे हो गया प्रीवियस ईयर, सेकंड ईयर हमने देखा यहाँ पे प्रीवियस ईयर का और असेसमेंट ईयर का, ठीक है। इसी तरह हम नेक्स्ट ईयर देखेंगे, पर्सन, जैसे हमने बोला यहाँ पे इनकम कौन अर्न करता है, इनकम अर्न बाय पर्सन, ठीक है, पर्सन। और सेकंड हम बात करते हैं किसका, एसेसी, ठीक है, इन पर्सन एंड एसेसी। हमने फर्स्ट पेयर देखा था रियल इनकम का और टैक्सेबल इनकम का, हमने सेकंड पेयर देखा प्रीवियस ईयर का और असेसमेंट ईयर का। हम यहाँ पे थर्ड पेयर की बात कर रहे हैं, थर्ड पेयर हमारे क्या, हमारे पास हमारा क्या है, पर्सन और किसकी बात कर रहे हैं, एसेसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि हर पर्सन असेसी नहीं होता, हर पर्सन असेसी नहीं होता है। असेसी किसको बोलेंगे हम, ऐसा पर्सन जो क्या कर रहा है, जो टैक्स का पेमेंट कर रहा है, जो टैक्स पेयर है, ठीक है। तो ऐसा पर्सन जो टैक्स पेयर है उसे हम क्या बोलते हैं, असेसी बोलते हैं। और इनकम टैक्स पे हमें केवल असेसी से ही मतलब होता है, ठीक है। पर्सन सभी पर्सन इनकम अर्न करते हैं, लेकिन वो पर्सन को हम इनकम टैक्स में इंक्लूड नहीं करेंगे। हम इनकम टैक्स किसमें इंक्लूड करेंगे, या फिर इनकम टैक्स के मायने पे, टैक्स के मायने पे, या फिर लीगल मेजोरिटी की बात करें, हमें किससे मत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन होता है, एसेसी होता है। तो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एसेसी ऐसा पर्सन जो टैक्स पे कर रहा है, जो टैक्स का पेमेंट कर रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, एसेसी बोलते हैं। This is the difference between person and assessee. ठीक है, every person assessee हो सकता है, लेकिन हर assessee person होनी necessary हमारे पास नहीं होता, ठीक है। तो this is the difference, major difference between person and assessee. Okay. ठीक है, अभी हमने यहाँ पे देखा प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्या होते हैं, ठीक है। अब देखो, हमने यहाँ पे बात की है कि प्रीवियस ईयर कौन सी ईयर होता है, जिस ईयर पे हम मेनली इनकम को अर्न करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर बोलते हैं। और जिस ईयर पे हम इनकम का, अपनी कमाई हुई इनकम का टैक्स पेमेंट करते हैं, हम क्या बोलते हैं, असेसमेंट ईयर बोलते हैं। अभी भी हम बात करें कि असेसमेंट ईयर, तो ड्यूरिंग असेसमेंट ईयर हमें कौन कौन से काम करने पड़ते हैं, बहुत से सिंपल है। पहली बात तो हमने बता दी, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपने टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। ओके, हम बात करते हैं यहाँ पे कि ड्यूरिंग असेसमेंट ईयर हमें क्या क्या काम करने पड़ते हैं। ओके, तो हम देखो यहाँ पे क्लियर करते हैं, ड्यूरिंग, मैं यहाँ पे शॉर्ट लिख रहा हूँ, असेसमेंट ईयर, ए स्टैंड फॉर असेसमेंट और ई फॉर बाय पर ईयर, ठीक है। तो असेसमेंट ईयर में हमें क्या काम करना पड़ता है, ठीक है, तो हम देखते हैं। पहला काम क्या होता है हमारा, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटीज। ओके, तो पहला काम क्या होता है हमारा यहाँ पे, यदि हम बात करें ड्यूरिंग असेसमेंट ईयर हमें क्या करना पड़ता है, तो क्या होता है, पहला काम क्या होता है हमारा, क्या होता है, कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। ओके, तो पहला काम जो हम असेसमेंट ईयर में करते हैं, पहला काम क्या होता है हमारा, कि
कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। देखिए यहाँ पे आप लोग क्लियर कर पा रहे होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम टैक्सेबल इनकम की बात कर रहे हैं, हम रियल इनकम की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि टैक्सेबल इनकम ही वो इनकम होती है जिस इनकम पे हमें अपना टैक्स पे करना पड़ता है। ओके, तो पहला काम क्या होता है हमारे असेसमेंट ईयर का, कि हम अपने टैक्स को कंप्यूट करते हैं कि हमें कितना टैक्स देना है, हमारी कितनी अर्निंग है, ठीक है, हमें कितनी छूट मिली है और हमारी टैक्सेबल इनकम कितनी होगी, हमें कितना टैक्सेबल इनकम, कितना हमें टैक्स इनकम का पर्टिकुलर इनकम कितना हमें टैक्स पे करना है, तो हमारा पहला काम होता है असेसमेंट ईयर का। ओके, अब बात करते हैं सेकंड काम, हम लोग क्या करते हैं असेसमेंट ईयर पे, तो सेकंड काम क्या होता है हमारा, पेमेंट ऑफ टैक्स ड्यू, पेमेंट ऑफ टैक्स ड्यू। ठीक है, अब क्या किया, अब हमने अपने टैक्स का को कंप्यूट कर लिया, हमने कितना टैक्स देना है, हमारी कितनी रियल इनकम थी, ठीक है, रियल इनकम पे हमारी जो भी टैक्स लाइबिलिटीज थी वो टैक्स लाइबिलिटीज काटने के बाद, डिडक्ट करने के बाद हमारी कितनी टैक्सेबल इनकम हो रही है और हमें कितना टैक्सेबल, हमें कितना अपनी उस इनकम का टैक्स पे करना है। ठीक है, अब हमने कंप्यूट तो कर लिया है, अब किसका नंबर आता है, पेमेंट ऑफ टैक्स ड्यू। ठीक है, तो जो भी हमने इनकम को कंप्यूट किया है अब क्या करेंगे, हम उसका पेमेंट करेंगे। अब पेमेंट करने के लिए यहाँ पे दो मोड है, ठीक है, दो मोड की हम बात करेंगे। फर्स्ट मोड कौन सा, मैन्युअली, ओके, तो फर्स्ट मोड क्या है टैक्स पे करने का, मैन्युअली। ठीक है, मैन्युअली कैसे, अब यहाँ पे एक चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, टैक्स पे करने के लिए हम किस तरह के थ्रू टैक्स पे करते हैं, हम टैक्स पे करते हैं थ्रू चालान। अब चालान जहां पे भी नाम आता है चालान का, हमारे माइंड में एक नेगेटिव थॉट क्रिएट होता है कि चालान क्या, चालान क्यों, क्योंकि हमने चालान किस लिए भरते हैं, बेसिकली हम जब भी चालान पे करते हैं वो किसके लिए होता है, या किसी जुर्म के लिए होता है या फिर कोई पेनाल्टीज होती है। ठीक है, तो चालान के बारे में सोच रहे होंगे आप, चालान क्या होता है और चालान ही क्यों। तो चालान क्या है, चालान एक मेथड है गवर्नमेंट के पास टैक्स देने का। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो भी अपने पास टैक्स लेती है इसके थ्रू लेती है, थ्रू चालान एक्सेप्ट करती है। ओके, तो यदि हम चालान की बात करेंगे, यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे पर्टिकुलर चालान मेंशन किया गया है किसके लिए, टैक्स के लिए, वो चालान नंबर क्या होते हैं, 280। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप जरूर नोट कर लें, हमें टैक्स पे करने के लिए किस चालान का यूज करना पड़ता है, तो चालान नंबर 280। ओके, यहाँ पे हमें लिख रहा हूं मैं, चालान नंबर 280। ठीक है, फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स। तो हमने अब बात कर रहे हैं कि असेसमेंट ईयर पे हमें जो मेन काम, दो मेन काम करने पड़ते हैं, वो कौन से काम है, पहले तो हमें टैक्स को कंप्यूट करना, ठीक है, अब जो कंप्यूट टैक्स हमने किया हुआ है उस टैक्स का पेमेंट करना, और टैक्स पेमेंट करने के हमारे पास यहाँ पे जो मेथड है वो कितने हैं, दो है। ठीक है, दो मेथड कौन कौन से हमारे पास है, फर्स्ट मैनुअली है, मैनुअली में से क्या हो गया, जहाँ पे आप खुद बैंक में थ्रू बैंक जा, बैंक के थ्रू और थ्रू चालान बैंक में जाके अपना कंप्यूट किया हुआ टैक्स थ्रू चालान वहाँ पे जमा कर सकते हैं, दैट इज मैनुअली। जो भी आपने टैक्स यहाँ पे कंप्यूट किया हुआ है वो आप बैंक में जाकर खुद चालान को भर कर, इस चालान पे चालान नंबर 280 में चालान को भर कर आप बैंक में जाके अपना टैक्स यहाँ पे कर सकते हैं। और सेकंड क्या होता है, सेकंड थ्रू पे पोर्टल, अगला मोड क्या है, या फिर अगला मेथड, अगला मीडियम कौन सा हमारा वहां पर अवेलेबल है, थ्रू वेब पोर्टल। तो वेब पोर्टल जो भी इनकम टैक्स की जो भी वेब पोर्टल है, हम उस वेब पोर्टल में जाकर, लेकिन हमें उस वेब पोर्टल में भी चालान को यूज करना पड़ेगा, इट मीन चालान बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम चालान 280, हमें अगर टैक्स पे करना है तो हमें चालान 280 का यूज करना ही पड़ेगा, बिना चाहे वो मैनुअली हो या फिर वेब पोर्टल के द्वारा हो। हमने यहाँ पे देखा कि जो टैक्स पे करना है, टैक्स पे करने के दो मेथड है,
पहले तो हमारा मैनुअली हो गया, बैंक में सीधा जाकर हम चलान 280 नंबर भर के अपना टैक्स पे कर सकते हैं, या फिर जो भी इनकम टैक्स का ब्यू पोर्टल है उस पोर्टल में जाकर चलान के थ्रू अपना टैक्स यहाँ पे हम पे कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक जो और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, आपने जरूर सुना होगा पैन कार्ड। पैन कार्ड पैन नंबर क्या होता है? पैन नंबर, ये पैन नंबर क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, परमानेंट अकाउंट नंबर ऐसा नंबर होता है, यहाँ पे मैं लिख भी रहा हूं परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, तो ऐसा पैन, ऐसा नंबर जिसपे हम अपना, जिस नंबर के थ्रू अपना हम टैक्स पे करते हैं वो कौन सा नंबर होता है? पैन नंबर होता है। और बिना पैन कार्ड के, अभी बिना पैन के हम अपना टैक्स यहाँ पे पे नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, यदि आप टैक्स पे ही है इट मीन्स आप टैक्स असेसी है, तो क्या करना पड़ेगा आपको अपना टैक्स पे करने के लिए? पैन कार्ड बनवाना पड़ेगा, और पैन कार्ड के बिना अपना टैक्स यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। पैन कार्ड भी क्या हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब थोड़ी सी हम बात करेंगे इनकम टैक्स की हिस्ट्री की, इनकम टैक्स स्टार्ट कैसे हुआ। तो जो भी अभी हम टैक्स पढ़ रहे हैं वो कौन सा पढ़ रहे हैं? 1961 का इनकम टैक्स एक्ट। कौन सा है? 1961 का। इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत बताता हूँ कैसे हुई। जब काकोरी कांड हुआ, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट, इसके पहले हम जानते हैं कि जब हम फ्रीड नहीं हुए थे, बिफोर फ्रीड, यहाँ पे किसका शासन था? ब्रिटिश का शासन था, ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे होते थे। काकोरी कांड पे क्या, जब इसका काकोरी कांड हुआ तो वहां पे क्या हुआ कि हमारे जो जो हमारे मतलब क्रांतिकारी थे, उन्होंने क्या किया, जो अंग्रेजों की हथियार सहित एक बोगी गाड़ी आ रही थी, उन्होंने क्या किया, लूट लिया। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, इंडियंस को पनिश करने के लिए, उन्हें सजा देने के लिए उन्होंने क्या किया, फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स को इनबिल्ट किया। इनकम टैक्स स्टार्ट कैसे हुआ अपन बात करते हैं, तो वो किसके तरह स्टार्ट हुआ था, तो सर जेम्स विल्सन। ठीक है, इनकम टैक्स को स्टार्ट करने वाले जो समय ब्रिटिश गवर्नर थे वो थे सर जेम्स विल्सन। हम बोल सकते हैं इंडिया में फर्स्ट टाइम टैक्स के जो फादर है, जो टैक्स को स्टार्ट किया था, सर जेम्स विल्सन द्वारा स्टार्ट किया गया। कैसे स्टार्ट किया गया था? ये एक पनिशमेंट के रूप में स्टार्ट किया गया था कि जो भी इंडियन द्वारा वो काम किया गया उसकी सजा को देने के लिए, और जो भी ब्रिटिश को नुकसान हुआ उस नुकसान की भरपाई करने के लिए, उसकी पूर्ति करने, सप्लाई करने के लिए क्या किया गया, इंडियन पे एक नया बर्डन क्रिएट किया गया जिसको इनकम टैक्स के नाम से जाना गया। और जो उस बर्डन को क्रिएट किया था उसमें कौन से गवर्नर थे, जो थे सर जेम्स विल्सन द्वारा टैक्स को स्टार्ट किया गया। समय बीतता गया, ठीक है, समय बीतता गया, साल पे साल बीतते गए, ऐसा लगा गवर्नमेंट को, ऐसा लगा ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ऐसा लगा कि एक अच्छा स्रोत हो गया है इनकम का, ये उसे क्या किया गया, उसे एक परमानेंट स्ट्रक्चर दिया गया। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, दिन बीतते गए, उसमें कई तरह के मॉडिफिकेशन किए गए। ठीक है, उसके बाद भी अभी तक जो हम लोग पुरान, जो भी हम टैक्स पढ़ रहे हैं वो कौन सा पढ़ रहा है, 1961 का पढ़ रहे हैं। जो तरह तरह के अमेंडमेंट टाइम टू टाइम पे तरह के अमेंडमेंट होते गए इसको और इजी बनाने के लिए, इसको और सरल बनाने के लिए, इसको ज्यादा विकसित करने के लिए टाइम टाइम पे बहुत सारे अमेंडमेंट गवर्नमेंट द्वारा किए गए। ठीक है, लास्ट फाइल एक टैक्स डैट कोड के नाम से 2009 पे संसद में पेश की गई थी, बट अभी तक उस पर कोई भी, उस पर कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। तो हम जो भी टैक्स पढ़ रहे हैं वो किस एक्ट का पढ़ रहे हैं, 1961 का पढ़ रहे हैं यहाँ पे टैक्स। ओके, तो आज हमने यहाँ पे देखा कि टैक्स कैसे यहाँ पे स्टार्ट हुआ इंडिया पे, कैसे टैक्स की शुरुआत रखी गई, कैसे टैक्स की नींव रखी गई, है ना, और टैक्स होता क्या है। मेनली टैक्स को यहाँ पे दो भाग में डिवाइड किया गया है, या फिर दो तरह के टैक्स पाए जाते हैं, वही होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट इज डायरेक्ट टैक्स
एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट टैक्स। हमने देखा यहाँ पे कि डिफरेंस क्या है डायरेक्ट टैक्स में और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है। यदि हम डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं तो किसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, तो इनकम टैक्स ही क्या होता है हमारा इक्वल टू डायरेक्ट टैक्स हमारा होता है। डायरेक्ट टैक्स में को क्यों बोलते हैं, बिकॉज क्या होता है ये किसी पर्सन की इनकम को पे सीधा इम्पोज होता है। इनकम टैक्स बोलते हैं और डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। अब डायरेक्ट टैक्स के अंदर जो हमारे पर्सन किसको बोलेंगे अपन यहाँ पे, तो इनकम अर्न बाय पर्सन, इनकम किस द्वारा अर्न की जाती है, पर्सन द्वारा इनकम अर्न की जाती है। और पर्सन को हमने यहाँ पे कैटेगराइज किया था कि कौन कौन से लोग इसको हम पर्सन पे काउंट करेंगे, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पे देखा है सेकंड असेसी कौन होता है, ठीक है, हम किसको असेसी बोलेंगे, ओके। देन हमने यहाँ पे देखी, हमने यहाँ पे बात की है रियल इनकम के बारे में, रियल इनकम क्या होती है। उसके बाद हमने यहाँ पे दूसरा पॉइंट देखा कि टैक्सेबल इनकम क्या होता है, देन प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर जो क्या है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि हमें इनकम टैक्स को आगे पढ़ना है तो हमें इनके बारे में जानना बहुत जरूरी था कि पर्सन किसको बोलते हैं, असेसी कौन होंगे, ठीक है, रियल इनकम किसको बोलेंगे, टैक्सेबल इनकम कौन सी होगी, व्हाट इज प्रीवियस ईयर एंड व्हाट इज असेसमेंट ईयर, ओके। तो ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स। अभी हम कल बात करेंगे इनकम कौन कौन सी होती है, गवर्नमेंट द्वारा या फिर टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा इस इनकम को आइडेंटिफाई किया गया है। यदि कोई पर्सन यदि इस पर्टिकुलर इनकम को अर्न करेगा तो उसको उस इनकम पे अपना टैक्स देना पड़ेगा। तो कल के लेक्चर पे हम बात करेंगे कौन से इनकम होती है, ठीक है, और पर्सन जो इनकम अर्न करते हैं वो इनकम की लिमिट कितनी होती है, मीन्स कितनी इनकम टैक्स फ्री होती है और कितनी इनकम हमको टैक्स ना देना होता है। सेकंड इज ऐसी कौन सी इनकम होती है इसको हम टैक्स फ्री इनकम बोलते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर स्लॉट कौन से होते हैं या फिर पर्टिकुलर जो भी गवर्नमेंट द्वारा सुविधा दी गई है ना, हर वर्ग को बेनिफिट पहुंचाने के लिए कि हर व्यक्ति हर वर्ग का व्यक्ति क्या हो प्रॉफिट को उसको उसे लॉस ना हो उसकी भरपाई करने के लिए गवर्नमेंट ने किया है। मैंने कई तरह के स्लॉट बना रखे हैं पर्सन को लेकर, जो एक 60 साल तक का व्यक्ति है उसके लिए अलग इनकम को आइडेंटिफाई किया गया है, जो 60 से 80 साल तक के व्यक्ति उनके लिए अलग इनकम को आइडेंटिफाई किया गया है, एंड जो एवं 80 है उनके लिए अलग इनकम पे अलग टैक्स को आइडेंटिफाई किया गया है। तो इसके बारे में अपन कल विस्तृत चर्चा करेंगे। आज के लिए फिलहाल हम इसको इतना ही देखेंगे कि पर्सन जो हमने देखा यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स आप जरूर से नोट कीजिएगा, और साथ ही साथ आपको जो भी प्रॉब्लम होगी आज के इस सेशन पे हमें किस इनकम पे किस तरह के टैक्स को पे करना पड़ता है, ओके, धन्यवाद।